हु इज हुसैन टीम निकली रात में फुटपाथ पर सर्दी में सुकड़ रहे लोगों को गर्म शॉल बांटने। हर साल सर्दियों में टीम कंबल, स्वेटर, गर्म कपड़े, शॉल वगैरह बांटते हैं। हु इज हुसैन इंटरनेशनल संगठन है जो साल भर अलग अलग समय पर अलग अलग मानवता की सेवा के लिए काम करता है। इसी कड़ी में जयपुर टीम पूरे लवाजमे के साथ तेज सर्द रात में गरीबों, मजबूरों, जरूरतमंदों को सर्दी से बचने के लिए 100 गर्म शॉल लेकर सेंट जेवियर चौराहा 22 गोदाम पुलिया के पास जो लोग फुटपाथ पर सर्दी में प्लास्टिक ओढ़कर सो रहे हुए थे उन्हें सर्दी से बचाने के लिए गर्म शॉल ओढ़ाया। हु इज हुसैन जयपुर की कनीज हैदर रिजवी ने बताया कि जैसा कि संस्था का नाम है, टीम भी उसी नाम के तहत काम कर रही है। इमाम हुसैन ने इंसानियत को बचाने के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दी थी, वही पैगाम लेकर टीम अपने फ़र्ज को अंजाम दे रही है। अब इंसानियत को बचाने के लिए उनकी वक्त वक्त पर मदद करना, उनकी परेशानियों को दूर करना ही असल मकसद है। उसी कड़ी में टीम देर रात सर्दी में निकली और ज़रूरतमंदों को, जो कि अपना कोई उनका ठिकाना नहीं, उनको गर्म शॉल ओढ़ाया, जिससे उनके फ़र्ज को उन्होंने अदा किया। टीम में पाकिजा खान, अजीज़ खान पठान, फौजिया रज़ा, आफरीन ज़हरा, फैज़ान रज़ा, शाकिर खान, हैदर, फरहान हुसैन, हसन अली, अली जाफरी व अकमल अब्बास सहित काफ़ी लोग मौजूद रहे। हुसैन जयपुर की तरफ से आज हम लोग यहाँ शॉल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आए हुए हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा सर्दी बढ़ चुकी है जयपुर में, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जिनके पास ओढ़ने के लिए कुछ नहीं है। अभी जब हम लोग काट रहे थे तभी हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे बहुत से लोग प्लास्टिक ओढ़कर लेटे हुए थे, उनके पास गर्म कपड़े नहीं थे। तो इसी को हम लोग ध्यान में रखते हुए कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नीडी हैं, जिनको शॉल की ज़रूरत है, तो हमने, ये हमारा वैसे एनुअल डिस्ट्रीब्यूशन ड्राइव है। ब्लैंकेट या स्वेटर ये हम लोग हर साल बांटते हैं। चूँकि ये इमाम हुसैन से जुड़ी हुई ये एक तंजीम है, एक NGO है हमारा, जो दुनिया भर में इमाम हुसैन के नाम पर काम करता है, ह्यूमैनिटी के लिए काम करता है। क्योंकि इमाम हुसैन ने हमें सिखाया है कि इबादत सिर्फ नमाज पढ़ लेना ही नहीं है, इबादत सिर्फ रोज़ा रख लेना ही नहीं है, बल्कि इंसानियत की मदद करना भी इबादत है। तो इसी इबादत को करने के लिए हम लोग आज निकले हुए हैं। रात के 11 बज रहे हैं और हम लोग यहाँ सड़कों पर घूमकर देख रहे हैं कि जो भी नीडी है, जिसको भी ज़रूरत है शॉल की, गर्म कपड़ों की, वो हम लोग बांट रहे हैं। थैंक यू सो मच।